हमारे देश में जहां पहले ही रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा गर्म चल रहा है, उसी कड़ी में एक तार और जुड़ गया है। कुछ महीनों से नॉर्थ दिल्ली में कुछ परिवार रह रहे हैं, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं जानता कि कौन हैं और कहां से आए हैं। लेकिन जब चैनल वन न्यूज को इसका पता चला तो हमारे संवाददाता वैभव ने इसकी पड़ताल की। छानबीन करने के बाद पता चला कि ये पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं और पाकिस्तानी हिंदू हैं, जो शरणार्थी के रूप में भारत में रह रहे हैं। पाकिस्तान की कड़वी यादें लिए इन लोगों और बच्चों का कोई भविष्य नहीं, खाने का और रहने का कोई स्थायी ठिकाना नहीं है। दिल्ली के कश्मीरी गेट के मजनू का टीला इलाके में करीब 18 परिवार के पाकिस्तानी हिंदुओं ने पनाह ली है। अस्थायी घर और ठंडे पड़े चूल्हे, इंसानों की मौजूदगी में भी सब कुछ उजाड़ और वीरान सा लगता है, लेकिन जिंदगी कहाँ रुकती है। ये लोग पाकिस्तान से इसलिए भारत आए कि वहाँ इनकी अनदेखी की जाती थी, उनके ऊपर ज्यादती होती है और इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, इधर आए 2 महीना बन गया, हमारे छोटे छोटे बच्चे लेके आए, हमारी कोई मदद नहीं करता है, इधर बैठे हैं हम, क्या करूं, किधर से खाएं गरीब लोग। हम मकान भी छोड़ के आए तो इधर तो हमारे को ना मकान मिला ना दूसरा कुछ नहीं मिला, ऊपर से आता है बरसात तो इधर पड़ा है पट्टम को, हमारे को खट्टा नहीं, को अंध नहीं, को बिस्तरा नहीं, हमारे को कुछ नहीं है, न कि हमारे को खटिया भी नहीं है, किधर से हमारे पट्ट में लटे पड़े हैं। इन लोगों का कहना है कि वो मुसलमानों का पाकिस्तान है और ये हिंदुओं का भारत है, लेकिन फिर भी यहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कारोबार भी नहीं कर पा रहे हैं, पुलिस वाले भी परेशान करते हैं। उस कारण यही था, वहाँ पे हमारी इज्जत नहीं थी, कोई सुनवाई नहीं थी, या सरकार में जाते थे या कोई वडेरे लोग होते थे, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। वैसे इनके वजह से हमारा हिंदू मजहब, इसलिए इंडिया भारत के लिए हम यहाँ पे आ गए हैं बस। अपना घर बार और रिश्तेदारों को छोड़कर आए ये लोग पूरी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान की भी तारीफ करते हैं और भारत की भी, और यहाँ आने का मकसद वो बताते हैं कि यहाँ भी हमारे कुछ भाई बहन हैं जिस वजह से हम यहाँ पर आए हैं। एक तो वहाँ पे हमारी इज्जत नहीं है, हिंदू लोगों की कोई इज्जत नहीं, वैल्यू है नहीं जो भी, और बहू बेटियों के लिए बाहर भेजना परेशानियों का सबब है। जैसे लगता है कि जैसे बहू बेटी बाहर जाती है तो जैसे कुत्तों की तरह ताकते रहते हैं हर कोई इसी तरीके से, और बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, उनको अपनी दीनी तालीम मिल जाती है, हमारी तालीम हिंदू वाली परवरिश है नहीं उधर। पाकिस्तान में पैदा होने के बाद भी ये लोग उसको अपना वतन नहीं मानते और भारत आकर बसना चाहते हैं। हमारे को कोई दिक्कत नहीं है इधर के, हमारे को सब सुख है, बस इधर से हम नहीं जाना चाहते, इधर ही रहना चाहते हैं, बस यहाँ से नहीं जाएंगे बस। वक्त की मार झेल रहे ये लोग अब अपने दिन बदलने के इंतजार में समय काट रहे हैं। हालांकि बीजेपी नेता रामाधार शर्मा को जब इसका पता चला तो उन्होंने बताया कि किस तरह से ये लोग यहाँ रह रहे हैं और इन लोगों से बातचीत कर समस्या का हल निकालने की बात कही है। 2 महीने पहले पाकिस्तान से कुछ हिंदू शरणार्थी परिवार यहाँ हिंदुस्तान आए हैं, वह उन लोगों ने बताया कि हम लोगों के परिवार के साथ वहाँ जाती होती है, हम वहाँ दुकान खोलते हैं तो हमारे दुकान से कोई वहाँ के बहुसंख्यक जो लोग हैं मुसलमान लोग, वो लोग सामान नहीं खरीदते हैं, हमारे घर से बहू बेटियों का निकलना मुश्किल हो जाता है। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए और एक सुरक्षित पनाहगाह की तलाश में हम लोग यहाँ हिंदुस्तान आए हैं। तो ऐसे 18 परिवार यहाँ पीछे गुरुद्वारे के आगे में एक झुग्गी बना के उन लोगों को शरण दिया हुआ है और यहाँ भी बहुत सारे परिवार रह रहे हैं। तो इन लोगों के लिए यहाँ के कुछ मुस्लिम परिवार के लोगों ने राहत सामग्री की व्यवस्था करके उन लोगों के बीच में राहत सामग्री वितरित किया लोगों ने। अब सवाल उठता है कि ये लोग तो जैसे तैसे कर भारत पहुँच गए, लेकिन इनकी जिंदगी पटरी पर कब आएगी और देश बदलने के बाद हालात कब बदलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज़।